बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है ब्लॉक के ऊपर, जो कि ये 100cc की बाइक ब्लॉक है, स्प्लेंडर पैशन में लग जाते हैं और ओल्ड मॉडल में CD100 नाम से ब्लॉक आता है। ये स्प्लेंडर प्रो वाली आज हम इसमें करेंगे रिंग फिटिंग और जानेंगे कि रिंग कैसे बैठाया जाता है, आपको ना हो और फटाफट खोल लेते हैं इसकी। MRP होती है 2500 रुपये, जो कि बहुत हाई रेट है। यह है पैकिंग किट, हेड और ब्लॉक की गैसकिट और गजल पिन का लॉक, जो कि किट के साथ आते हैं। और ये हो गया गजल पिन, यहाँ पे इसे हम फाड़ेंगे क्योंकि गजल पिन तो लगाना होगा। और इस तरीके से बैठाना है कि इंजन का ज़्यादा दिन लाइफ हो। और ये होता है सिलेंडर किट, जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको स्प्लेंडर प्रो में सिल्वर कलर के मिल जाते हैं, ब्लॉक ब्लैक कलर का भी आता है। ये है पिस्टन, क्या तो गाइस इस पर ध्यान देना है। तो गाइस ये है पिस्टन NI और KCC, तो इसमें आपको ये होती है गजल पिन लॉक, आपको इस साइड डाल देना है। कोई साइड भी डाल सकते हैं, बट आपको जिस टाइप से लगाने में इजी हो उस टाइप से आपको लगा लेना है। यहाँ पे गजल पिन लॉक हम बिठा लेते हैं कुछ इस टाइप से। इस टाइप से पुश करेंगे तो ये लग जाएगा बिना को, ये हो गया। और सबसे इसका मेन चीज़ है रिंग। तो गाइस ये होती है सबसे गाड़ी का मेन इंपॉर्टेंट रिंग, इसको बोलते हैं वेल्डिंग, ठीक है। ये होती है वेल्डिंग, अगर आप इसे अच्छे से नहीं मूव कर पाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे बढ़िया से, तो ये अच्छा काम नहीं करेगा और धुआं दे देगा। और ये है कंप्रेसर रिंग, दो होती है कंप्रेसर रिंग और दो होती है वेल्डिंग सपोर्ट रिंग, जो कि वेल्डिंग को चाप के रखता है। तो वेल्डिंग को ये मुँह जो आप दिख रहे हैं ये बाहर की ओर है, हमको इसको अंदर की ओर NI के सामने डालना है, अंदर की ओर जैसे इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे डाल दिए। और इसका जो फेस है ये अंदर की ओर मुँह जाएगा, ठीक है, बाहर इधर की ओर नहीं, अंदर की ओर। जैसे ये W नहीं होना चाहिए, M होना चाहिए उस साइड से, ठीक है। मुँह इसका अंदर की ओर रहेगा क्रैंक के साइड। और उसके बाद हमको डाल देना है ये रिंग, इसका जो सपोर्ट रिंग है ये। तो रिंग डालने का भी अपना अपना टेक्नीशियन का तरीका होता है, तो मेरा तरीका कुछ इस टाइप से, हम यहाँ एक डालते हैं, एक NI के सामने डाल दिए ऑयल रिंग, जो कि इसका मैं इस साइड हो गया। और ये सपोर्ट रिंग, हम इस सपोर्ट रिंग को इस टाइप से हम डालेंगे यहाँ पर, जो कि हाथ घूम गया कुछ इस टाइप से, ये हो गया इसके सामने। और एक और सपोर्ट रिंग होगा, उसको डालेंगे इस टाइप से, उसको हम डालते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, इस साइड डाल दिए और इस टाइप से बैठा दिए। तो रिंग बैठाना बहुत इजी है, बट अपने अपने तरीके से बैठाएं, जिस तरीके से आपका अच्छा काम करता हो। और यहाँ पे मिला लिया हमें NI के सामने। और दूसरा जो कंप्रेसर रिंग है Top 2, जो कि यहाँ पे लिखा होता भी है रिंग पे Top 2, तो Top 2 को हम डालेंगे KCC के सामने, जो इस मॉडल का KCC है उसके सामने हम डालते हैं इसे, इसे हम डालेंगे KCC के सामने, इस टाइप से मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया, और इसको वायल रिंग को यहाँ डाले थे, कंप्रेसर रिंग को यहाँ डाल दिए। और इस वाला जो वायल क्या बोलते सॉरी, ये हो गया कंप्रेसर रिंग, इसको हम डालेंगे सबसे टॉप पे, KCC के सामने अभी डाले थे, तो NI के सामने इसे डालेंगे, लिखा हुआ बाहर रहेगा, इस टाइप से इसे डाल लिए। तो मेरा रिंग हो गया कम्प्लीट। एगो आपको इस टाइप से बैठा लेना है, एगो इस टाइप से बैठा लेना है KCC के सामने, और वायल रिंग को बिठा लेना है इसके सामने, जो कि कोई रिंग आपस में मिलता जुलता पिन। और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद हम डालते हैं ऐसे रिंग पे ऑयल, ठीक है, पूरा
मिल जाएगा इसे वेल्डिंग के साथ। उसके बाद हम थोड़ा डाल देते हैं ब्लॉक में ये, और इसे अच्छे से बैठा देना है। जो आपका ये नई है ये आगे की ओर रहेगा, ब्लॉक इस टाइप रहेगा और ये नई टॉप रहेगा। इसे हम ऐसे बैठा लेते हैं, नाखून से अच्छा से बैठा देना है, रिंग नचे नहीं। वेल डालने से रिंग एक ही जगह एडजस्ट हो जाता है, घूमता नहीं है, तो ये आराम से बैठ गया। इस टाइप से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एनआई सबसे ऊपर हो गया टॉप पे, यहाँ पे टाइमिंग चेन गर्डर सारा चीज़ कंप्लीट। कुछ इस टाइप से बैठा लेना, बाकी अपना अपना हिसाब है टेक्नीशियन का। इस टाइप से डालने से धुआं नहीं आपको देगा गाड़ी 2.5 साल तक, जो कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से 2.5 साल 3 साल चल जाएगा आराम।